रविवार शाम को नीमच के जावत तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव सुआखेड़ा में एक मकान से पति पत्नी की लाश बरामद हुई है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले में नीमच से एसपी राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक मंदसौर जिले के रहने वाले थे। वह कुछ समय पहले से ही सुआखेड़ा में आकर रह रहे थे, साथ ही उनका पुत्र भी रह रहा था। मामले में प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया है कि पत्नी की मौत पहले या तो जहर खाने से हुई है या उसे जहर खिला दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में पति ने आत्मग्लानी के चलते संभवतः फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के बीच विवाद के कारण इस तरह के हालात बने। इस संबंध में कुछ रिकॉर्डिंग्स भी प्राप्त हुई हैं और पुलिस उसकी जांच कर रही है। जांच के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बात पता चल पाएगी और इस मामले में और अस्पष्टता आएगी। इस आत्महत्या के प्रकरण में यदि किसी के द्वारा उन्हें प्रेरित किया गया है तो उस पहलू से भी पुलिस जांच कर रही है। परसों दोपहर में करीब 2 बजे जावद में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान में सुआखेड़ा में पत्नी और मृतावस्था में पड़ी हुई है और एक पुरुष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिसके सूचना पर पुलिस ने पंचायतनामा बनाया और वहाँ पर उसकी जांच शुरू की, तो जांच में ये पाया गया कि अभी तक कि जो 40 वर्षीय जो युवक था उसका नाम सुरेश था और स्त्री का नाम संजू था। ये दोनों मल्हारगढ़ के रहने वाले हैं, ये कारियाखेड़ी के जिला मंदसौर के, और यहाँ पर मजदूरी वगैरह करने के लिए पिछले 1.5 महीने से सुआखेड़ी आए हुए थे। इनका जो पुत्र है एकमात्र जो 16 वर्षीय, वो अपनी बुआ के यहाँ गया हुआ था। जब 10 बजे करीब मृतक ने अपने लड़के को फ़ोन किया और उसको सुआखेड़ा बुलाया। जब वो सुआखेड़ा आया तब उसने देखा कि जो है दोनों मृत अवस्था में उसको मिले, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। तो अभी प्रारंभिक उसमें विवेचना में ये पाया गया कि दोनों के मध्य जो है किसी बात को लेके विवाद था। कुछ रिकॉर्डिंग भी पुलिस को मिली है जिनकी की समीक्षा की जा रही है। तो या तो इस पति ने उसको जहर खिलाने के लिए मजबूर किया या फिर उसने स्वयं अपना जहर खाया और उसके बाद उसी ग्लानी के कारण जो युवक सुरेश था उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब इसमें जो विवेचना की जा रही है, विवेचना में ये पता लगाया जा रहा है कि क्या किसी व्यक्ति ने इसको आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित तो नहीं किया, तो उसकी विवेचना थाना प्रभारी जावत द्वारा की जा रही है। और उसको दोनों पति पत्नी का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द शव को कर दिया गया है और जो घटनास्थल पर जो चीज़ें थी जैसे चाय मिली थी उसमें भी जहर संभावित था, तो उसको जो है जब्त कर लिया गया है, जिसको जाँच के लिए भेजा जा रहा है।